हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर लोकेश दवे आपका फिर से आपके फेवरेट होम्योपैथिक चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत पुराने बुखार की, जो लगभग साल भर से एक मरीज को परेशान कर रहा था, मगर आखिरी में होम्योपैथी की मदद से वो पूरी तरह से ठीक हुआ। डॉक्टर बर्नेट का 16th रीजन ऑफ बीइंग अ होम्योपैथ मैं आपको बताऊंगा। और आपको याद होगा होम्योपैथिक नमक याद है या नहीं है? अगर नहीं है तो आप, मैं इस जो लिंक ऊपर दे रहा हूँ इसमें जाके आप चेक कर सकते हैं और उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ का जो आज का जो केस है पुराने बुखार का, वो भी होम्योपैथिक नमक की मदद से ही पूरी तरह से ठीक हुआ है। तो क्या बीमारी थी, क्या लक्षण थे और कितने दिनों में किस तरह से होम्योपैथिक नमक से वो पेशेंट ठीक हुआ, इस एपिसोड को पूरा देखें और आप देखेंगे किस तरह से होम्योपैथी पुराने से पुराने बुखार को भी जड़ से उखाड़ के फेंकने में सक्षम है। तो अगर आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाएं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सिक्सटीन्थ रीजन फॉर बीइंग अ होम्योपैथ को शुरू करने में सबसे पहले डॉक्टर बर्नेट याद करते हैं कि अगर आपको याद है तो किस तरह से हिकफ का जो केस था उसमें होम्योपैथिक नमक ने एक शानदार रिजल्ट दिया था। लगभग 10 साल पुराने हिचकी पुराने हिचकी केस को ठीक किया था। उसी तरह से आज का जो केस है इसके बारे में डॉक्टर बर्नेट बताते हैं कि 1978 अप्रैल 21 के दिन एक सी शेलर था, जो समुद्र में सैर करते हैं या नाविक जो होते हैं, वो एक नाविक उनके पास आया। उसने बताया कि सितंबर 1977 वो कलकत्ता गया था और वहाँ उसे बुखार आया था और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करके क्यूनाइन और जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं वो सारी दी गई। लगभग दो तीन एक सप्ताह वो भर्ती रहा और जब वो ठीक हो गया उसके बाद बुखार टूट गया और वो वापस जब सी से ट्रैवल करने के लिए तैयार होने ही वाला था कि उसे उसी रात एक रात पहले बुखार आ गया। वाइल्ड ड्यूरिंग ट्रैवलिंग उसको लगातार बुखार आता रहा, मगर कैप्टन ने उसको कुछ समय सिंकोना बार को वगैरह कुछ दिया, उससे उसका बुखार टूट गया। ही वॉज फीलिंग बेटर, मगर उसको लगातार कमजोरी बनी रही। राइट साइड ऑफ रिब्स में पेन आ गया, लोअर साइड में, और काफ में पेन आ गया, जो अपनी पिंडलियां होती हैं वो भर गई। और इसके साथ में ही मतलब वो इतना दर्द हो गया कि उसको चलने में भी दिक्कत आने लगी। और चूंकि पर वो ऑन द ट्रैवलिंग था तो जब वो जैसे ही पहुंचता है और डॉक्टर बर्नेट को दिखाते हैं, कंजंक्टाइवा को देखें तो येलोइश है, आंखें जो हैं वो हल्की पीलेपन पे हैं, पेशाब जो है वो मड ब्राउनी कलर का, ब्राउन कलर का यूरिन आ रही है। और ये मुख्यतः ये सिम्टम थे। चलने में बड़ी दिक्कत थी, स्टिक लेके पेशेंट आता है और डॉक्टर बर्नेट उसको रेपर्टराइज करते हैं तो देखते हैं कि नेट्रम्यूर इंडिकेटेड आ रही है। और उसे वो जब नेट्रम्यूर देते हैं 3x ग्रेन्स में पानी में घोल के पीने को दिन में 4 बार, और 7 दिन की मेडिसिन देते हैं। तो जब 7 दिन बाद पेशेंट आता है तो वो बहुत अच्छी स्थिति में होता है और वो बताता है कि अब वो दर्द वगैरह तो जो है वो रिब्स वाला दर्द भी चला गया था। जैसे ही मेडिसिन ली तो लगभग तीसरे दिन जो पिंडलियों का दर्द था वो भी पूरी तरह से दोनों का गायब हो गया था, मगर उसके बाद फिर वापस से हल्का सा एक पिंडली लेफ्ट साइड की है वो दर्द कर रही है मुझे, ये वो कंप्लेंट बताता है। बाकी यूरिन वाली जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। और फिर अभी डॉक्टर बर्नेट उसको एडवाइस करते हैं कि आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू रखें जैसा मैंने बताया है, और वो कंटिन्यू रखते हैं। और कंटिन्यू रखने से एक 5 दिन बाद फिर से फॉलोअप के लिए उसको बुलाते हैं। और जब 5 दिन बाद वापस वो मरीज आता है फॉलोअप के लिए तो उसमें उसका वो दर्द भी पूरी तरह से गायब हो गया होता है। तो ये लगभग जो छः महीने से परेशान चल रहा था और बिल्कुल आराम नहीं हो रहा था वो भी उसमें भी आराम हो जाता है। सो दिस इज द मिरेकल ऑफ होम्योपैथी। अब मिरेकल ऑफ होम्योपैथी क्यों है? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जिसे हम लोग इनर्ट मानते हैं और नमक से कोई भी किसी भी चिकित्सा पद्धति में उपचार नहीं है, मगर होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो इनर्ट सब्सटेंसेस हैं
वो भी जो है वो उसके पोटेंटाइजेशन से उसका एक मेडिसिनल इफेक्ट हमको देखने को मिला है। और कई ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जिसको ठीक हुई है। नाइट्रोम्यूर अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉलीक्रस्ट रेमेडी है होम्योपैथी में, जो कई बड़ी बड़ी बीमारियों को हेल्प आउट करने में मदद करती है। और उसके बाद से कई लोगों ने, कई होम्योपैथिक चिकित्सकों ने नाइट्रोम्यूर का काफी उपयोग किया है बुखार, पुराने से पुराने बुखार को ठीक करने में। ऐसा अगर कोई केस है जिसके बाद जिसमें बहुत प्रॉब्लम है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो मेरे आप सबसे यही एडवाइस है कि आप किसी अच्छे होम्योपैथ से कंसल्ट करें, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और नाइट्रोम्यूर समान बहुत सारी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में जो मिरेकल्स करती हैं, पुरानी से पुरानी बीमारियों को भी जड़ से उखाड़ फेंकने में सक्षम होती हैं। तो डॉक्टर बर्नेट उस पत्र में यही लिखते हैं आखिरी में कि ये जो नमक की मदद से हम कई बीमारियों को ठीक कर पा रहे हैं, तो ये मेरा 16वां कारण है होम्योपैथी अपनाने के लिए कि क्यों आप होम्योपैथी को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि होम्योपैथी की ये जो ताकत है इसके बारे में हम दुनिया को बता सकें कि आप होम्योपैथी उपयोग करें। कोरोना में भी हम लोग देख रहे हैं किस तरह से शानदार रिजल्ट्स कई केसेस में ड्यूरिंग कोरोना होने के समय भी, कोरोना के बाद के साइड इफेक्ट्स में भी होम्योपैथी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। कई चिकित्सक अपने अपने लेवल पे उस पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मिलते हैं, अपना ध्यान रखें कोरोना काल में। तब तक आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।